सरेराह गरीब पर लाठी उठाई, यूपी पुलिस घर से उठा लाई। कासिम ने सड़क पर उठाई लाठी तो यूपी पुलिस घर पहुंच गई। कासिम हो या कुमार, बाबा की तीसरी आंख से बचना मुश्किल। यहां बस ड्राइवर को लाठी दिखाई, थोड़ी देर बाद घर पहुंचे। परिवार का हाल चाल पूछते ही कि पुलिस घर पहुंच गई और नाश्ता जेल में हुआ। लाठी भांजने वाले कासिम और रानू की पूरी कहानी सुनकर आप भी कहेंगे कि हम भी बनेंगे बाबा की तीसरी आंख, क्योंकि यूपी में अब बाबा के बुलडोजर के साथ तीसरी आंख के प्रकोप से कोई अपराधी नहीं बच पाएगा। आपने अब तक बाबा का बुलडोजर देखा, अब हम एक ऐसा कैमरा दिखाते हैं जो आपको न्याय दिला सकता है। आपकी आवाज वो कैमरा बनेगा, या आप किसी अनजान की मदद भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं यूपी को सिर्फ योगी ही बदलेंगे, जनता भी मिलकर बदलाव ला सकती है। यहाँ दो लोग अपनी गर्मी दिखा रहे थे, सिर्फ 5 घंटे बाद इनकी गर्मी नोएडा पुलिस ने निकाल दी और अब ये दोनों गर्मी दिखाने वाले अपराधी यूपी की जेल में बंद हैं। कासिम और रानू का होना ऐसा है कि ये धरती पर अकेले राज करना चाहते हैं और बाबा के राज में ऐसा संभव नहीं है। अब राज कानून का होगा और सबकी सुरक्षा होगी। 14 अप्रैल के दिन जब पूरा देश संविधान बनाने वाले व्यक्ति बाबा साहेब की जयंती मना रहा था, तब ये दोनों एक सड़क पर कानून तोड़ रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे की कुछ सेकंड की ये तस्वीरें ऐसा दावा करती हैं। यूपी में अपराध कहीं भी करेंगे पकड़े जाएंगे। बस ड्राइवर किसी से क्या लड़ सकता है, लेकिन ये दोनों व्यक्ति कुछ सेकंड में तूफान खड़ा कर देते हैं। रानू और कासिम पहले सरकारी बस के आगे कार खड़ी करते हैं। सवारियों से भरी बस के ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना होता है। फिर एक व्यक्ति बस ड्राइवर के पास आता है, गेट खोलता है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। दूसरा शख्स कार का गेट खोलता है, कार से एक लाठी लेकर आता है और ड्राइवर को कमजोर समझकर हमला करता है। अब आप समझिए, किसी को कमजोर समझकर ऐसा व्यवहार मत करना कि आप जेल पहुंच जाएं। थोड़ी देर बाद वीडियो यूपी पुलिस को टैग किया गया। उसके कुछ मिनट बाद कासिम और रानू के घर पुलिस पहुंच गई। दोनों घर पहुंचे ही थे कि पुलिस नाश्ते के लिए थाने उठा लाई और बाबा की तीसरी आंख के चलते बस ड्राइवर को न्याय मिल गया। वीडियो वायरल हुआ करीब 1 बजे और 5 बजे तक पुलिस दोनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी थी। अब आप कैसे योगी की तीसरी आंख बन सकते हैं ये समझिए। आपके सामने कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा हो जो नहीं होना चाहिए, तो जेब से मोबाइल निकालिए, किसी बहाने से उसका कैमरा ऑन करिए और घटना का वीडियो बना लीजिए। हम सब मिलकर ही यूपी को बदल पाएंगे। यहाँ इतनी गर्मी है कि शिमला बनने के बाद भी लोग हिम्मत दिखाएंगे। ऐसे लोगों पर योगी की जीत तभी संभव है जब आप सिस्टम का साथ देंगे। अगर किसी अनजान व्यक्ति ने कासिम और रानू का वीडियो ना बनाया होता तो क्या उन्हें पुलिस आसानी से पकड़ पाती? ड्राइवर के परिवार को लगता कि वो जिस सिस्टम में रहता है सरकार उसकी चिंता करती है। कासिम और रानू भाग्यशाली हैं, घर पर बाबा का बुलडोजर नहीं पहुंचा, नहीं तो अब तक घर भी गिर चुका होता। दोनों की गर्मी तो पहले ही निकल चुकी है। यूपी पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहती है। प्रदेश पुलिस अक्सर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को जागरूक करती रहती है और आधे से ज्यादा छोटे केस यहीं सॉल्व हो जाते हैं। अब यूपी में सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि सरकार से लेकर प्रधान तक से सवाल जवाब पूछने का सबसे सही ठिकाना बन गया है ट्विटर। आप सोशल मीडिया पर कोई खबर उठाएं और वहां बाबा का बुलडोजर स्टार्ट हो जाता है।